हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे लास्ट वीडियो में हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल किया था, जिसमें हमने ये सीखा कि जब किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर खड़े होकर हम किसी चीज़ को फेंकते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है, जिसमें हाइट आपको ऑलरेडी पता होती है। लेकिन जब आप ग्राउंड पर खड़े होकर किसी चीज को फेंकते हो और वो दोबारा आगे ग्राउंड पे टच होती है तो वो क्या कहलाता है? हमारे पास एंगुलर प्रोजेक्टाइल कहलाता है। इसमें वही हम पांच चीजें डिस्कस करेंगे। पहली कि ये शो करके दिखाएंगे कि जो पार है वो पैराबोला है। दूसरा हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। तीसरा रेंज निकालेंगे। चौथा ये मैक्सिमम हाइट निकालेंगे और पांचवा रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे, जैसा हमने किया था हॉरिजॉन्टल के केस में। कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ एज्यूम करनी पड़ेंगी। अब कुछ बच्चे कहते हैं जी आधी चीजें तो एज्यूम कर ली, तो आप उसकी टेंशन ना लें। जैसे ही ये टॉपिक ओवर होगा तो जो जो चीजें आपने एज्यूम की है उन सारी चीजों को हम आने वाली वीडियो में प्रूफ करेंगे कि ये एज्यूम की थी लेकिन ये एक्चुअल में ही ऐसी है। पर पहले उनको हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से आपको आधी चीजें अभी क्लियर नहीं है, इसलिए हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल करते हैं। जो अजम्पशन है वो क्या क्या है वो देखिए। सबसे पहली, जितने एंगल से आपने ग्राउंड के साथ उस चीज को फेंका है, जब वो चीज ग्राउंड पे टकराएगी तो भी आपको मानना पड़ेगा कि एंगल वही होगा। दूसरी, जब वो अपने मैक्सिमम डिस्टेंस हाइट पे पहुंच जाती है जिसके बाद वो नीचे आना शुरू होती है, तो आपको ये मान के चलना है उस मैक्सिमम हाइट तक जाने में अगर टाइम T1 लगा है तो मैक्सिमम से यहां तक आने में अगर टाइम T2 लगा है तो ये दोनों के दोनों टाइम क्या होंगे? इक्वल होंगे। T1 = T2, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। और तीसरा, इस मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि इस मैक्सिमम के बाद तो वो जो चीज आपने फेंकी, मान लो बॉल आपने फेंकी, वो इससे ऊपर तो जा नहीं सकती, अब तो वो नीचे आएगी। तो यानी कि वाई एक्सिस पे उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। बाकी सारी चीजें सिंपल ही है, जैसे कि आपको पता है कि मोशन हमेशा वाई एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस का मोशन कॉन्स्टेंट है क्योंकि अर्थ के लेवल पे जी की वैल्यू सेम रहती है। कोई चीज ग्राउंड पे पड़ी है अर्थ उससे ज्यादा उसको अंदर नहीं खींच सकती, जैसे ही वो हवा में आएगी तो एक्सीलरेटेड मोशन होगा किसके अंडर में? ग्रेविटी फोर्स के अंडर में, वाई एक्सिस में। तो आपको याद रखना है एक्स एक्सिस पे नॉर्मल है, वाई एक्सिस पे एक्सीलरेटेड मोशन है। और दूसरी बात, यहाँ से यहाँ तक चीज ऊपर की तरफ जा रही है, अर्थ नीचे खींच रही है, चीज ऊपर जा रही है, तो जी की वैल्यू जो लगेगी वो माइनस की लगेगी अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। लेकिन यहाँ के बाद चीज भी नीचे आ रही है और अर्थ भी उसको नीचे ही खींच रही थी, तो दोनों का मोशन सेम डायरेक्शन में हो गया, तो वहां पर जी की वैल्यू आप क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और मैं आपको थोड़ा सा और डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी यू थी जब आपने उसको फेंका, तो इस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पर, क्योंकि अभी ये एक्स और वाई दोनों में ट्रेवल कर रहा है, तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट आपको पता है, रिजोल्यूशन आपने पढ़ा है वेक्टर का 2D में। एक प्लेन के अंदर वेक्टर को जब रिजोल्व करते हैं तो आपने पढ़ा है कि एक्स एक्सिस में वेक्टर के साथ लगा देते हैं कॉस थीटा और वाई एक्सिस में लगा देते हैं यू साइन थीटा। तो एक्स एक्सिस में वो शुरू में कितनी वेलोसिटी थी उसकी? यू कॉस थीटा। और वाई एक्सिस में कितनी वेलोसिटी थी? यू साइन थीटा। ये आपको अब याद रखना है। दूसरी चीज, मान लेते हैं वो किसी टाइम पे बॉडी यहाँ थी, जब बॉडी यहाँ आई तो उसने एक्स एक्सिस का कितना डिस्टेंस का ट्रेवल किया? एक्स। और नीचे से ऊपर वाई एक्सिस का कितना ट्रेवल किया? स्मॉल वाई, ठीक है। इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन की वेलोसिटी तो होगी इस तरफ, क्योंकि वो आगे की तरफ जा रही है, वाई अभी ऊपर की तरफ जा रही है, और तो वाई की वेलोसिटी होगी ये। तो रिजल्टेंट जो होगा वो ये VR होगा जो इसके साथ एंगल बीटा बना रहा है। ये पॉइंट हम इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि बाद में हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी भी निकालनी पड़ती है और कैलकुलेशन किसी एक पॉइंट को ही कंसिडर करके किया जाएगा।
तो ये पॉइंट हमने आप कहीं भी कंसिडर कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि ये कंपोनेंट जीरो है आपका। तो इस कंपोनेंट पे आने पे इस पॉइंट पर आते आते उस बोल ने एक्स एक्सिस पे तो एक्स डिस्टेंस कवर कर लिया और ऊपर हाइट पे वाई डिस्टेंस कवर कर लिया, और उसकी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होगी भी आगे की तरफ, वाई के ऊपर की तरफ, और रिजल्टेंट जो है वो क्या है आपके पास, ये आ गया। यहां से वो फेंकी गई, यहां आके टकराई, इसको क्या बोला गया हॉरिजॉन्टल रेंज, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, और ये था मैक्सिमम हाइट जितनी वो ऊपर गई, इसको बोलते हैं एच मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट जितनी उसने कवर की है। तो ये हमारे पास डायग्राम है। अब देखिए पहला इसका जो पार्ट है कि शो करना है पाथ ऑफ एंगुलर प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर, फर्स्ट शो दैट पाथ ऑफ एंगुलर प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। पैराबोलिक आपको इसको शो करना है। देखिए लास्ट टाइम भी हमने एक आर्टिकल किया था, करते क्या है मोशन के दोनों कंपोनेंट्स लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी और वर्टिकल कंपोनेंट भी। तो हम यहाँ पर जो सबसे पहला कंपोनेंट लेंगे वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा मोशन का। देखिए पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अब आपको पता है हॉरिजॉन्टल का मीनिंग है अलोंग एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई एक्सीलरेटेड मोशन हो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ तो कॉन्स्टेंट फोर्स लगती है, फोर्स कम ज़्यादा हो ही नहीं रही, ठीक है। तो अगर फोर्स सेम है तो एक्सीलरेशन भी कॉन्स्टेंट है, और एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पर हम एक्सीलरेटेड मोशन बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी आपके पास। तो फिर सिंपल इक्वेशन लोगे आप, क्या लेते हो आप सिंपल इक्वेशन में कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कितना डिस्टेंस एक्स, कितनी स्पीड के साथ इनिशियली बॉडी चली एक्स एक्सिस में स्पीड यू कॉस थीटा, टाइम जो है आपको यहाँ पर नहीं पता, टाइम की वैल्यू आप टी लिख लीजिए, देखो ना तो टी वन दे सकते ना टी टू, टी वन तो यहाँ तक का है और टी टू यहाँ से यहाँ तक का है, आपको तो बीच में कोई पॉइंट मान लिया, तो हम मान लेते हैं इसका टाइम क्या है टी, तो यहाँ से टी की वैल्यू आपने निकाली जो किसके इक्वल आ गई एक्स यू कॉस थीटा। लास्ट एंगल हॉरिजॉन्टल की तरह स्टेप चल रहे हैं, वहां भी हमने टी की वैल्यू निकाल के वर्टिकल वाले में पुट की थी, यहां भी हम सेम करेंगे। दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट, एक्स एक्सिस नहीं है वाई एक्सिस की बात आ गई है, अब बॉडी हवा में है और उसके ऊपर एक ग्रेविटी की फोर्स लग रही है जो उसके मोशन को चेंज कर रही है, उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है एक्सीलरेटेड मोशन हो रहा है। तो देखो नीचे फोर्स नहीं थी तो वहां पर एक्सीलरेटेड मोशन नहीं था, यहां क्या होगा यहां आएगी इक्वेशन एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन यहां यूज होगी। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वाई, ठीक है। इनिशियल स्पीड इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे इनिशियल स्पीड कितनी थी u sin थीटा, टाइम की वैल्यू आपने निकाली है पुट कर दीजिए x is equals to x upon में u cos थीटा, टाइम की वैल्यू पुट करें प्लस हाफ g, एक्सीलरेशन की जगह तो आपको पता है क्या आएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, as we are going to upward तो g की वैल्यू माइनस आएगी, तो ये जो प्लस का साइन है माइनस में चेंज हो जाएगा और यहां आ जाएगा g। अगेन टी का स्क्वायर, टी की वैल्यू है आपके पास, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, और देख लीजिए साइन अपॉन में यू से यू कैंसिल आउट हो गया, साइन अपॉन में कोस एक्स टेंजेंट थीटा, यहां पे सारी चीजें आप इकट्ठी ले लीजिए जी यू स्क्वायर
cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर अलग ले लिया हमने, क्योंकि ये सारी चीजें कांस्टेंट है आपके पास। अब हमने क्या किया, इसको तो नाम दे दिया a, इस कांस्टेंट को नाम दे दिया b, तो आपके पास इक्वेशन आई ax माइनस bx का स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन किसकी, y। और ये क्या है, ये भी एक पैराबोला की ही इक्वेशन है, विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सिंपल वही पार्ट देखिए, हॉरिजॉन्टल आपने कंपोनेंट लिया, वर्टिकल आपने कंपोनेंट लिया, वैल्यूज टाइम के पुट की सॉल्व किया, कांस्टेंट को एक एक कांस्टेंट के अंदर रख दिया, इन सारे कांस्टेंट को बी के अंदर, इसको ए के अंदर, इक्वेशन ये आ गई और ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो ये क्लियर हो जाता है यहाँ से कि जो पाथ है एंगुलर प्रोजेक्टाइल का, हमने उसके हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल कंपोनेंट लिए हैं वो किसकी इक्वेशन में फिट हो जाते हैं, पैराबोला की इक्वेशन में फिट हो जाते हैं। तो ये पहला पार्ट था इसका, जिसमें हमने उसके पाथ को पैराबोलिक जो है वो शो कर दिया। अब हम दूसरी चीज जो यहाँ कैलकुलेट करेंगे वो है टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितनी देर तक बॉडी जो है वो क्या रहेगी, हवा में रहेगी। डेफिनेशन बार बार नहीं लिखवाई जाएगी, मैं सिर्फ बोल दूंगा आपको, लास्ट में आपने जो लास्ट आर्टिकल था हॉरिजॉन्टल वाला उसमें इसकी डेफिनेशन लिखी थी और आपने लिखा था इट इज द टोटल टाइम फॉर विच अब द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, इट इज द टोटल टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, वो टाइम जिसमें वो बॉडी हवा में रहती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिए, एज वी नो वी आर डीलिंग विद एक्सीलरेटेड मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, ये हम सबको पता है यहाँ पर इजीली। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, देखिए इसकी हमें कोई एक टाइम निकालना है, पहले आपको क्लियर कर देते हैं। देखो ये टाइम और ये टाइम इक्वल है, ये अजम्पशन आपने मानी है T1 इक्वल है T2 के, तो अगर मैं T1 निकाल दूं तो इसका मीनिंग है T2 की वैल्यू भी उतनी होगी, दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल टाइम आ जाएगा। ये टाइम है टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने का और ये टाइम है टाइम ऑफ डिसेंट नीचे आने का, दोनों इक्वल है। अगर ये 5 मिनट आता है तो वो भी 5 होगा, तो आप टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बोल दोगे, 10 मिनट बोल दोगे, ठीक है। तो मैं पहले T1 निकाल लेता हूँ, T1 देखिए यहां से वो शुरू हुआ यहां तक वो गया, इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो, ये है फाइनल वेलोसिटी, कितनी हो गई जीरो। इनिशियल कितने के साथ गया, वाई एक्सिस पे इनिशियल क्या थी, यू साइन थीटा, ऊपर की तरफ जा रहा है तो जी की वैल्यू माइनस में, और t को क्या लेंगे, यहां से लेके यहां तक का मोशन है तो t है t1, दोबारा देख लीजिए हाफ टाइम हम निकाल रहे हैं यहां से लेके यहां तक, ये लास्ट पॉइंट ये स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे वेलोसिटी थी y एक्सिस पे v sin थीटा, एंडिंग पॉइंट पे आपको बताया था मैक्सिमम हाइट है, वेलोसिटी y एक्सिस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू हमने जीरो पुट की, इनिशियल पुट किया, a ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो माइनस जी t1, इसको इस तरफ ले आओ जी टी वन यू साइन थीटा प्लस का हो जाएगा, अगर आगे टी वन की वैल्यू क्या आ गई, यू साइन थीटा बाय जी, ये टी वन की वैल्यू, और हमें पता है टी वन और टी टू तो क्या है, सेम है, तो यही वैल्यू किसकी होगी, टी टू की। तो टोटल टाइम टी किसके इक्वल है, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट ऊपर जाने का और नीचे आने का, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2u sin थीटा अपॉन में, ये आपके पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हमारे पास टोटल टाइम जितने टाइम तक वो बॉडी जो है हवा में रहेगी, ठीक है। कोई पूछ ले कि ज्यादा से ज्यादा टाइम कब लगेगा जब बॉडी हवा में रहेगी, तो इधर देख लीजिए ये वैल्यू फिक्स्ड, ये वैल्यू फिक्स्ड रहेगी आपकी इनिशियल की, तो इसमें चेंज होने वाली चीज क्या है, चेंज होने वाली चीज है एंगल थीटा, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब एंगल कितना होता है 90 का, तो आप बोल सकते हो कि जब अगर 90 डिग्री के एंगल से आपने किसी चीज को ऊपर फेंका है, यहाँ खड़े हुए आपने किसी बॉल को
बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट 90 डिग्री से ऊपर फेंका है या ऐसे आपने 90 डिग्री से ऊपर फेंका है, तब उसको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा नीचे आने में। मैं लिख भी देता हूँ, टी की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी, और उस टाइम टी की वैल्यू होगी 2u/g, क्योंकि साइन 90 तो 1 हो जाएगा। तो अगर किसी चीज़ को ज़्यादा समय तक हवा में रखना है तो आपको उसको 90 डिग्री से ऊपर फेंकना पड़ेगा, ठीक है। ये जो एंगल थीटा था ये 90 होना चाहिए, आपको वाई एक्सिस पे उसको फेंकना पड़ेगा। ये दूसरी चीज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बाद तीसरी चीज़ जो हमारे पास आएगी वो आएगी हॉरिजॉन्टल रेंज। ये जो एक्स एक्सिस में उसने डिस्टेंस कवर किया ये कितना किया है, हॉरिजॉन्टल रेंज। पहले हम हाइट निकाल लेते हैं एक बार, इसमें वर्टिकल हाइट पहले कर लेते हैं, वो टॉपिक पहले कर लेते हैं। सी वर्टिकल हाइट की कितनी ऊपर गई वो हमने लिख दिया कि मैक्सिमम है एच मैक्सिमम, लेकिन निकालेंगे कैसे वो चीज देखनी है आपने। देखिए ऊपर की बात हो रही है वर्टिकल हाइट की, तो सिर्फ हम वाई एक्सिस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो क्या इक्वेशन थी वाई एक्सिस के मोशन की, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। एस वो डिस्टेंस है जो आपने कवर करना है यहाँ पर, हाइट हम मान लेते हैं हाइट कितनी थी एच। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है वाई एक्सिस में कितनी लेके चले थे, यू साइन थीटा। टी कितना है, ना तो टी यहाँ पर एक पॉइंट वाला है ना टी यहाँ पर टोटल वाला है, ये जो टी आपको नजर आ रहा है ये यहाँ पर टी वन है, क्योंकि इस पॉइंट से मैक्सिमम तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा था, टी वन टाइम लगा था। इसलिए आपको याद रहे तो मैं यहाँ पर टी वन कर देता हूँ, पहले लिखता तो आपको कन्फ्यूजन हो जाती, अब आपको समझा दिया है कि यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए टाइम कितना लगा, टी वन। इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर टी वन। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू ये आ गई और T1 की वैल्यू आपने अभी निकाली है। अब आपने दो वैल्यूज निकाली है, एक तो निकाला है टोटल टाइम और एक निकाला है सिंपल T1। जो सिंपल T था वो था U sin थीटा by G, जिसको आपने ट्वाइस दिया था, ये भी डिफरेंस याद रखना कि टोटल T की वैल्यू पुट कर दो। प्लस की जगह आएगा माइनस, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पर G की वैल्यू जो है वो क्या आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। क्लियर है आपको, T1 का स्क्वायर इसी का ही स्क्वायर करोगे तो U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल में G का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, देखो U और U, U का स्क्वायर साइन और साइन, साइन का स्क्वायर अपॉन में आ गया G, माइनस हाफ, एक G से एक पावर कट गई, यहाँ बचा U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल में G। अगर ध्यान से देखो तो मोस्टली सारी चीज कॉमन है, तो अगर आप यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी कॉमन ले लो तो यहाँ बचा वन और यहाँ बचा हाफ, एक में से आधा गया, आधा ही बचेगा, प्लस का हाफ बचेगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी वो हाफ यहाँ। ये वैल्यू आई हाइट की। मैक्सिमम कब होगी ये आपको पता ही है, मैक्सिमम कब होगी जब आप किसी चीज को 90 डिग्री से ऊपर फेंकोगे, क्योंकि साइन थीटा है और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है 90 डिग्री पे। तो एच की वैल्यू अगर मैक्सिमम निकालनी है तो थीटा कितना होना चाहिए 90, जब ऐसे ऊपर फेंकोगे 90 डिग्री से तब वो सबसे ज़्यादा हाइट कवर करेगा, तो तब वैल्यू होगी यू स्क्वायर 2g, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा तो 1 के इक्वल आ जाएगा, साइन 91 और उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो यू स्क्वायर अपॉन में 2g, ये एच मैक्सिमम रहेगा। ये आपको याद रखने, ये वैल्यूज जो लास्ट में फॉर्मूले निकल रहे हैं ये डायरेक्ट जो है वो बाद में आपसे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में करने हैं आपको, तो ये आपको याद होने चाहिए। ये तीसरी चीज थी वर्टिकल हाइट, जो हॉरिजॉन्टल के केस में पहले बता दी जाती है आपको, यहाँ हमने निकाल लिया इसको। फोर्थ आता है आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज, कि कितना हॉरिजॉन्टल रेंज वो बॉडी कवर कर रही है एक्स एक्सिस पे। R से हम इसको डिनोट कर देते हैं, डिस्टेंस कवर्ड ऑन एक्स एक्सिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज। अब आपको पता है
एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो एक्सिलरेटेड मोशन नहीं है। एक्स एक्सिस के केस में तो आप सिंपल ही इसको डिनोट करते हो, कैसे, आप क्या लिखते हो, रेंज, यानी कि डिस्टेंस जो है आपका वो किसके इक्वल देते हो आप एक्स एक्सिस पे, जितनी स्पीड और जितना टाइम। रेंज को तो आर से कर दिया, एक्स एक्सिस पे स्पीड कितनी ले रखी है आपने, स्टार्टिंग से ही सेम है यू कॉस थीटा, टाइम कौन सा लोगे, ये है यहाँ पर मेन पॉइंट। टाइम दिया जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में वो T1 प्लस T2 दोनों टाइम कवर कर चुका है, तो टोटल टाइम का फॉर्मूला आपको यहाँ पर लेना है और आपको याद रखना है, आपने अभी निकाला था वो आया था 2u sin थीटा अपॉन में g। देखिए अब 2 आगे ले लीजिए, सॉरी u आगे ले लीजिए, u स्क्वायर आ गया, ये क्या है 2 sin थीटा cos थीटा, g को मैंने यहाँ ले लिया, दोबारा देख लीजिए u into u, u का स्क्वायर, g आगे आ गया, रह क्या गया u sin थीटा cos थीटा। ये इसलिए लिखा गया क्योंकि आपके पास मैथ की एक आइडेंटिटी है, मैथ में एक फॉर्मूला है आपके पास, क्या ट्रिग्नोमेट्री में, कि sin 2 थीटा इक्वल होता है 2 sin थीटा cos थीटा, अगर मैथ में आ गया हो तो फिर तो आपको याद ही होगा, वरना आपको याद रखना है कि sin 2 थीटा स्क्वायर नहीं है, ये 2 थीटा है, sin 2 थीटा इक्वल होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पर ये चीज हमें गिवन है, तो इसकी जगह क्या लिखने वाले हैं, ये लिखने वाले हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में जी, ये वैल्यू किसकी आ गई, रेंज की आ गई। पर रेंज की मैक्सिमम वैल्यू भी आप लोग निकालते हो तो मैक्सिमम कब होगी, अब ध्यान दे ध्यान से, अब तक जब आप मैक्सिमम वैल्यू निकालते थे तो थीटा की वैल्यू 90 पुट करते थे, क्योंकि साइन की वैल्यू 90 पे ही मैक्सिमम होती है, इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि साइन 90 पे मैक्सिमम देगा, क्या यहां भी मैं 90 पुट कर सकता हूं मैक्सिमम के लिए, देन आंसर इज नो। अगर मैंने थीटा 90 रखा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर थीटा हो जाएगा 180 और उस पे एंगल की वैल्यू आ जाएगी 0, हमें यहाँ पर टोटल 90 ही बनाना है तभी साइन की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, और यहाँ टोटल 90 बनाने के लिए थीटा की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 45। तो आर की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब थीटा कितना होगा 45, जैसे ही आप यहाँ 45 रखोगे 2 से मल्टीप्लाई होकर 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1 और वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन में जी, ये है आर मैक्सिमम। लेकिन याद रहे आर मैक्सिमम 45 के डिग्री पे आता है, अगर ये एंगल 45 डिग्री से आप किसी चीज़ को फेंको तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा एक्स एक्सिस की फॉर्म में नीचे गिरने तक, तो ये इसका स्पेशल केस सबके मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, तो ये आपको याद हो जानी चाहिए, पूछे जाएंगे एग्जाम में। लास्ट आता है हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी, अब इस पॉइंट की तरफ देखना पड़ेगा हमें जहां हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी VR निकाल के दिखाई है, लास्ट पॉइंट है हमारा। देखिए रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास ये दो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हमने यहां पर देखे कि इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस का कंपोनेंट ये है और वाई एक्सिस का कंपोनेंट ये है और रिजल्टेंट है वी आर, तो दो वेक्टर्स की टेल से जुड़ा हुआ है, तो रिजल्टेंट वी आर कहीं भी लोगे यहाँ पे भी लेते अगर आप तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होता, वी वाई नीचे की तरफ आ जाता, वी एक्स ये हो जाता और ये हो जाता आपके पास वी आर, तो हमेशा रहेगा उन दोनों कंपोनेंट्स का ही, तो रिजल्टेंट आपको पता है कैसे निकालते थे, वी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर 2 vx dy cos थीटा, ये है रिजल्टेंट का फॉर्मूला। थीटा आपको पता है x और y के बीच में हमेशा थीटा 90 का रहेगा, तो cos 90 पुट करोगे ये सारा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा vx स्क्वायर dy स्क्वायर, ये बचेगा आपके पास, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। देखो वेलोसिटी एट x एक्सिस सिंपल है, स्टार्टिंग से ही सेम है u cos थीटा,
एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी हम शुरू से ही सेम लेके चले हैं, वो क्या है यू कॉस थीटा। वाई एक्सिस पे सेम नहीं है, वाई एक्सिस पे एक्सीलरेटेड मोशन है, ये इक्वल होगा फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल प्लस एटी। इनिशियल कितनी थी यू साइन थीटा, ऊपर की तरफ जा रहे थे तो ए की जगह माइनस जी था, और टी के टी को आप क्या लिखोगे सिंपल टी ही रखना आपने उस पॉइंट तक आने के लिए, यहाँ तक आने के लिए आपने टाइम को टी माना था। ये वी वाई की वैल्यू, ये वी एक्स की वैल्यू, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं तो देखो वी आर का स्क्वायर अंडर रूट हटा देते हैं, वी एक्स का स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हटाया स्क्वायर आ गया, वी एक्स की वैल्यू का स्क्वायर वी वाई की वैल्यू का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है यू स्क्वायर, अंदर क्या रह गया कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साथ में है ये चीजें, ये क्या है वन, तो वी आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन थीटा, स्क्वायर हटा दोगे तो ये सारा क्या आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा। ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी, और आपको पता है जब रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल देते हैं तो फिर डायरेक्शन भी निकालनी होती है, जो होता है टेंजेंट बीटा वाई एक्सिस का कंपोनेंट अपॉन में एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ये परपेंडिकुलर ये बेस, वी वाई की वैल्यू आपने निकाली ये आई थी यू साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एक्स की वैल्यू आपके पास आई थी यू कॉस, ये आ गई आपके पास डायरेक्शन। ये था कंप्लीट टॉपिक हमारे पास एंगुलर प्रोजेक्टाइल का। पांच नंबर का क्वेश्चन आता है, तीन में तो कंफर्म नहीं है, ये आना ही आना है आपके पास, ये नहीं आएगा तो इसके बेस पे न्यूमेरिकल आएगा, जहां आपको पांचों पार्ट के फाइनल फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके देखना है।